सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है फिर से एक और वीडियो में। तो आज हम खेलने वाले क्राफ्ट वर्ल्ड, तो ये होने वाली है सर्वाइवल सीरीज़। तो इसमें देखते हैं क्या क्या करते हैं हम। और ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ पहले तो, और ये बहुत ही अच्छा गेम लगा मेरे को। और मेरे को लगा क्या कहते हैं, हमें सर्वाइवल सीरीज़ करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज से सर्वाइवल सीरीज़। तो देखते हैं क्या क्या होता है हमारे साथ। तो जल्दी से मैंने पहले थोड़े से वुड कलेक्ट किए, जो सभी कलेक्ट करते हैं। तो भाई मैंने थोड़ी सी वुड कलेक्ट करी, इस पेड़ को पूरा ही कर दिया। और ये वैसे भी अजीब शेप में था ये पेड़, मैंने पहले क्या इसे देखा ही नहीं था। तो भाई इससे तो कुछ बन ही नहीं रहा था, मैंने देखा तो इससे कुछ बन ही नहीं रहा था। जैसे प्लैंक्स बनते हैं ना, तो ऐसे बन ही नहीं थे शायद, वो नॉर्मल ट्री नहीं था। तो भाई मैं नॉर्मल ट्री की खोज में निकला, तो मेरे को सामने तो नॉर्मल दो तीन दिख रहे थे। तो मैं देखा, मेरे को लग रहे थे वो वैसे ही हैं जैसे अभी थे। तो मैंने यहाँ पे आया तो वो नॉर्मल ट्री थे। तो यहाँ पे नॉर्मल ट्री मैंने थोड़े से और लिए, और उसके बाद मैंने थोड़े से प्लैंक्स क्रिएट करे और थोड़ी सी क्राफ्टिंग टेबल भी बनाई। वो ट्री का नाम ओकेशा ट्री था शायद, तो इसके नाम से ही ओकेशा वुड प्लैंक्स बने। तो भाई इसके तो बन गए, पर पहले वहाँ पे नहीं बन रहे थे। तो यार यहाँ पे इसके बाद मैं निकल गया खाने के लिए, क्योंकि बिना खाने के ये जिंदा तो नहीं रह सकता। सर्वाइवल सीरीज़ में खाना चाहिए ही चाहिए। मैं कुछ एनिमल ढूंढ रहा था, कुछ मिल जाए, यानी पिग मिल जाए, शिप मिल जाए, इनमें से कोई भी चलेगा, पर देखते हैं क्या मिलेगा आगे जाके। तो मैं आगे गया, तो आगे मेरे को सबसे पहले तो काओ दिखी, तो इससे तो हम मिल्क ले सकते हैं, और तो नहीं कुछ ले सकते ऐसे मारे क्यों बेबल में। तो इसके बाद मेरे को थोड़ा सा और आगे गया, तो वहाँ पर मेरे को एक शिप मिली। शिप को मैंने उसको मार दिया, और उससे क्या कहते हैं वुल और थोड़े से स्टोन से मिले थे कुछ ऐसा करके, तो मैंने ले लिए थे उससे। शेप को मारने के बाद मैं फिर से चला गया अपने वुड प्लैंक्स इकट्ठा करने। तो मैंने थोड़ी सी वुड और इकट्ठा करी, क्योंकि यार टूल्स तो और बनाने थे मेरे को। तो ये अभी मेरे पे वुडन टूल्स थे, उसके बाद मेरे को स्टोन टूल्स तो चाहिए। तो यार मैं स्टोन के लिए भी ढूंढ ही रहा था, कहीं मिलना है, कहीं मिले या ना मिले। मैं स्टोन ढूंढ ही रहा था, तो मेरे को सामने दो तीन वो और दिख गए, ये चिकन्स, और इनको मैंने मार दिया। और पिक्स को तो नहीं मारा मैंने, क्या करता मैं कुछ को मार के। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एरिया साफ करा, यहाँ पे मैं कुछ कर सकूँ। और मेरे को आगे सामने जंगल ही दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे ये पिंक को भी मार ही दिया लगे हाथ, ये बार बार सामने आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ बहुत सही जगह है, यहाँ पे घर बनाना चाहिए। तो यार मेरे को सही नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे दो दो केव आ रही थी, एक आगे थी एक पीछे थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे घर नहीं बनाया, क्योंकि यार स्पॉन होते रहेंगे ज़ॉम्बीज़ और क्रीपर्स तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्केलेटन स्केलेटन बहुत सारे होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसके आगे बनाया। तो यार ये भी मेरा गलत डिसीजन था, आगे चल के बताऊँगा मैं कैसे गलत था ये। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एरिया साफ़ करा, और यहाँ पे मैंने थोड़ी क्राफ्टिंग टेबल लगाई अपनी, और उसके बाद अपनी चेस्ट भी लगाई, उसके बाद चेस्ट बनाई पहले मैंने, उसके बाद जैसे दो क्राफ्टिंग टेबल गलती से बन गई मेरे से, उसके बाद मैंने चेस्ट बनाई सबसे पहले। तो चेस्ट के लिए इतना सामान तो नहीं था, तो सामान कलेक्ट करने के लिए मैं फिर से चला गया। भाई रात भी होने वाली थी, तो यार रात में क्या करता, क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन होते, तो मैं एक थोड़ा सा नीचे दो तीन ब्लॉक्स खोद के उसके नीचे चला गया, और पूरी रात ऐसी गुजारी मैंने, ज़्यादा वो भी नहीं करा। हाँ दो तीन बार क्या कहते ऐसे बाहर गया, शिप मिल गई थी मेरे को एक दो, तो उनको थोड़ा सा मार के दो वुल्स मिल गई थी मेरे को। तो यार मैं सुबह जैसे ही स्पॉन हुआ, तो भाई सामने शिप थी, मैं रात में इतना ढूंढ रहा था शिप को, बिल्कुल ही मिली नहीं। और जैसे ही स्पॉन होते ही इतनी सारी शिप मिली, और यार मेरे को पता नहीं था पीछे मेरे एक क्रीपर है, और वो इतनी तेज फटा, और मैं यहाँ पे मर गया। मैं फिर से रिस्पॉन हुआ, और मैं भागा भागा गया जहाँ पे मैं बम से फटा था, क्रीपर जहाँ पे आ गया था। तो यार मैं भागा भागा गया, यार मेरे को मिल ही नहीं बहुत देर तक, तो फिर मेरे को मिल ही गया, क्योंकि वो उधर साइड था भाई, यहाँ पे एक स्पाइडर था भाई, मेरे पे कुछ भी नहीं था। तो मैं करता क्या, तो मैं थोड़ा नीचे होके गया, और आगे आगे भी मेरे को यहाँ पे कुछ तो मिला नहीं। तो मैं ना दूसरी साइड गया, तो वहाँ पे मेरे को दिखे क्या कहते हैं, जहाँ पे मैं फटा था, यानी फटा नहीं था, यानी वो ज़ॉम्बी आ गया था। तो मैं गलत साइड था पहले तो, और मैं इन्हें मारता कैसे, ये जो सामने मेरे जानवर चल रहे थे इनको मैंने मारा भी नहीं था, तो यार मेरे को दिख गया था। तो भाई एक चीज़ अच्छी हुई वहाँ पे, जहाँ पे मेरा क्रीपर फटा, तो वहाँ पे ना मेरे को कॉयल तो था नहीं मेरे पे, तो भाई वहाँ पे मेरे को कॉयल भी मिल गया। तो मैंने वहाँ से एक ब्लॉक कॉयल का लिया, एक ही ब्लॉक था, तो फिर वहाँ से मैंने टॉर्च तो बना ली, मैंने चार टॉर्च बना ली। उसके बाद आगे अभी देखो अब क्या होता है। कॉइल लेने के बाद मैं वापस गया जहाँ पे मेरे क्राफ्टिंग टेबल और एक चेस्ट थी,
तो मैं जल्दी से गया और वहाँ पे जाके मैंने क्राफ्टिंग टेबल और चेस्ट को दोनों को निकाला, और यहाँ पे एक प्लैंक्स भी लग गया था गलती से, ओक प्लैंक्स, तो मैंने इसे हटाया। तो भाई मेरे को यहाँ से बिल्कुल अलग बनाना था, तो क्या कहते हैं मैं गया थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पे मेरे को सही लगा, तो मैंने यहाँ पे जाके अपना एक माइनक्राफ्ट टेबल लगाई, यहाँ पे चेस्ट लगाई और एक अपना बेड लगाया। भाई बेड भी बन गया था मेरा, क्योंकि शिप मेरे को मिले जा रही थी। फिर यहाँ पे मैंने चार टॉर्च बनाई, टॉर्च भी लगा दी यहाँ पे कोई स्पॉन ना हो। और भाई खाने का क्या था, खाना तो मेरे को ढूंढना ही था, थोड़ा बहुत पड़ा भी था मेरे पे, क्योंकि मैंने बहुत सारे डक्स वो सॉरी चिकन्स मारे थे और दो तीन शिप भी, शायद शिप तो मैंने थोड़ी सी मारे थे, उनसे तो वुली मिला था मेरे को। तो भाई मैंने यहाँ पे स्टोन अपने सारे जितने भी थे स्टोन में कर लिए थे कन्वर्ट, जितने मेरे पास टूल थे। तो भाई टूल्स में एक ही बार में ख़त्म हो रहा था मामला, तो यार ये तो दो बार में मरा, पर भाई स्केलेटन में जो हुआ था ना वो आप देखना अभी आगे वीडियो में। तो यार मैं गया था वहाँ पे, बहुत सारे जानवर थे जहाँ पे स्पॉन हो रहे थे, तो उससे पहले मैंने ना दो तीन ना ऑक्स स्लीव्स भी लगाई, यानी ऑक्स ट्री सॉरी। तो भाई पीछे से ना मेरे को एरो मारा स्केलेटन ने, मेरे को दिखा नहीं पहले। तो भाई मैंने अपने स्टोन स्वॉर्ड निकाला और उसके बाद एक ही मारा, एक में पूरा ढेर हो गया वो। भाई उससे मेरे को थोड़ा सा बोन भी मिला, तो बोन से बोन मील बनाया। और मैंने ना जो पीछे जो ऑक्स लीव्स वो लगाए प्लांट्स लगाए थे ना, तो वो ना बहुत जल्दी ग्रो हो गए। तो यार ऐसे बना मैंने बोन्स मील, बनाया पहले बोन्स मील को ऑक्स इस पे प्लांट्सों पे छिड़का, तो ये दो बार करने पड़ता है, मेरे को पता नहीं था। तो यार एक पेड़ तो हो गया पर एक पेड़ ग्रो ही नहीं हुआ, तो यार कोई नहीं। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे और देखा, तो भाई सही लग रहा था यहाँ पे मामला सा। और फिर मैं उसके बाद ऐसे ही घूमता रहा, क्या कहते कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो यार शाम होने वाली थी, ज़्यादा देर भी नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने पेग थोड़े से डक्स को मार दिया, क्योंकि यहीं पे डोल रहे थे सामने आमने सामने। तो भाई रात होने वाली थी और रात में जॉम्बी फॉम्बी बहुत ज़्यादा आते हैं, और भाई मेरे पे इतना सामान नहीं था जो मैं उनसे लड़ सकूं, तो इसलिए मैं ज़्यादा लड़ा भी नहीं। तो मैं जल्दी से आके यहाँ पे अपने जहाँ पे ये हमारा बेड था वहाँ पे आके सो गया, क्योंकि भाई बेमतलब में लड़ो बेमतलब में नहीं, जब तक टूल्स नहीं होंगे ना तब तक मैं लड़ूंगा नहीं। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो ना तो एक शेयर भी कर देना और एक कमेंट ज़रूर।